एंड वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल एवरीबॉडी. मेरा नाम है हिमानी एंड नमस्ते फ्रॉम मनाली. ओह वाओ, क्या राइम किया. बाय द वे, आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, क्योंकि मुझे पूरे एक महीने हो गए हिमाचल से वर्क फ्रॉम होम करते हुए, वर्क फ्रॉम माउंटेन करते हुए, और मैंने सोचा कि आपके साथ व्लॉग्स तो मैं डेली पोस्ट कर ही रही हूँ, पर उसके साथ साथ कुछ ट्रैवल गाइड वाले वीडियोज, क्योंकि मैंने एक कम्युनिटी पोस्ट पे पोल किया था और आप लोगों से पूछा था कि गाइज मैं क्या करूँ, डेली व्लॉग्स कंटिन्यू करूँ या फिर ट्रैवल गाइड वीडियो करूँ. तो आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने पोल पे वोट किया है ट्रैवल गाइड वीडियो के लिए, तो जिसमें कि मैं आपको ट्रैवल गाइड्स प्रॉपर ऐसे वीडियो शूट करके पोस्ट करूंगी, जिससे कि आपको भी कुछ इन्फॉर्मेशन मिले और जब भी इन फ्यूचर आप ट्रैवल करें तो आपके लिए भी वो हेल्पफुल हो. सो या इन टुडेज वीडियो आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट बजट इफ यू आर गोइंग टू स्टे इन होम स्टे एंड बजट इफ यू आर गोइंग टू स्टे इन होटल. और तो आज के वीडियो में हम इसी बारे में डिटेल में बात करेंगे. मैं आपको प्रॉपर सारी चीजों के प्राइजेस बताऊंगी कि आप होमस्टे में रहते तो कितना खर्चा आता है, क्या क्या एक्सपेंस आते हैं एंड क्या क्या चीजों की आपको जरूरत पड़ सकती है. इफ यू आर कमिंग टू माउंटेन्स, आप लंबे टाइम के लिए आ रहे हो, तो क्या क्या चीजें कैरी करनी चाहिए. सेम विथ होटल, तो दोनों चीजों के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे. विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड विथ टुडेज वीडियो. तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि मुझे एक महीने हो गए हैं, मैं शिमला में थी पहले, नाउ आई शिफ्टेड टू मनाली, और मनाली में इसलिए शिफ्ट हो गई क्योंकि मनाली में मुझे एक्सप्लोर करने के बहुत ज़्यादा ऑप्शंस हैं. शिमला में हमने बहुत ही काम और बहुत ही रिलैक्सिंग टाइम स्पेंड किया, इट वॉज ऑल्सो गुड. तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, पहले आप लोकेशन कौन सी चूज़ कर रहे हैं. हिमाचल में आप कहाँ कहाँ पर वर्क फ्रॉम माउंटेन कर सकते हो, जहाँ पर बहुत ज़्यादा ऑप्शंस हैं और लोग भी हैं जो कि ये चीज़ कर रहे हैं वहाँ से. तो पहला तो आता है शिमला, मनाली, बीर, कसोल, बहुत सारी जगहों से कर सकते हो, उत्तराखंड से भी कर सकते हो, उत्तराखंड में भी बहुत सारी प्लेसेस हैं. तो फर्स्ट तो यू हैव टू पिक अ प्लेस जो कि आप, जहाँ से वर्क फ्रॉम माउंटेन करना चाहते हो, आपको जहाँ पर दिल लगता है, लाइक आपको बहुत ही शांति वाली जगह चाहिए तो आप उस तरीके की प्लेसेस चूज करो. आपको अगर थोड़ा सा हैपनिंग चाहिए, लाइक अपने काम के बाद आप थोड़ा सा आउटिंग वाउटिंग बाहर बाहर जाके आप थोड़ा चिल पिल करना चाहते हो, तो वो वैसी जगह आप चूज कर सकते हो. तो यस, इस वीडियो में, पर हम उस बारे में बात नहीं करेंगे. इस वीडियो में मैं आपको डेडिकेटेड बताने वाली हूँ कि इफ आप किसी होम स्टे में स्टे लेते हो फॉर एग्जाम्पल फॉर अ मंथ, तो आपको कितने चार्जेस पड़ते हैं, और आप किसी होटल में लेते हो तो आपको कितने चार्जेस पड़ते हैं. मैं आपको रफली बताऊंगी, एक्यूरेट किसी भी चीज का कोई है नहीं है कि आपको इसी प्राइस में मिल जाएगा, बट हाँ, जहां मैं स्टे कर रही हूँ उसका मैं आपको एक्यूरेट प्राइस बता दूंगी, सो दैट कि आपके लिए ईजी हो जाएगा. इफ यू आर कमिंग टूवर्ड्स माउंटेन हिमाचल, तो आप डेफिनेटली इसे कंसिडर कर सकते हैं. ओके, सो पहले बात करते हैं होम स्टे के बारे में, जो कि हमने शिमला में रेंट आउट किया था फॉर अ मंथ. सो फॉर अ मंथ उसका जो इनिशियली जो हमने, हमें चार्जेस आंटी ने बताए थे, क्योंकि उसकी जो लैंडलॉर्ड थी वो एक आंटी थी, और आंटी से हमारी कॉल पे बात हुई थी. शी टोल्ड अस कि 15,000 फॉर वन रूम, वो 2 BHK अपार्टमेंट था, तो वैसे वो 3 BHK था, पर हमें 2 रूम चाहिए थे, तो आंटी ने बोला था एक रूम 15,000, दूसरा रूम 15,000, तो हमें वो काफी महंगा लग रहा था, क्योंकि उसके बाद हमें हमारी ग्रोसरीज भी लेनी थी, हमें किचन में सारा सामान स्टॉक करना था क्योंकि हम खुद कुक करने वाले थे. तो हमने आंटी से बार्गेन किया, बिकॉज वी गॉट लकी, क्योंकि लॉकडाउन लगने वाला था शिमला में. हम जब पहुंचे उसके 2 दिन बाद लॉकडाउन लग गया, और हमें, हमने जाते ही आंटी से बात कर ली कि अभी कोई ज्यादा टूरिस्ट आने वाले नहीं है और आपका मे बी ये खाली रहे तो आप हमें थोड़ा डिस्काउंट दे दो. तो आंटी ने हमें दोनों रूम जो है वो 20,000, मतलब 10,000 ईच में वो हमें प्रॉपर्टी 2 BHK मिल गई, और तीसरा रूम लगा ही नहीं, तो हमें वो पूरा का पूरा जो अपार्टमेंट था वो हमारा हो गया विद अ किचन. और किचन में ऑब्वियसली उनके यूटेंसिल्स थे, हमें सिर्फ लेनी थी ग्रोसरीज. तो आप हमारी ग्रोसरीज का अंदाजा अगर लगाएं तो 5,000 to 6,000 की हमारी ग्रोसरीज हो गई थी. क्योंकि सो एज आई मैंशनड अबाउट होम स्टे, इफ यू आर बुकिंग होम स्टे फॉर लॉन्ग स्टे, क्या 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 कैसे एक्सपेंस है और किस तरीके से आप इसे प्लान कर सकते हैं, एवरीथिंग विल बी इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एज वेल. नाउ विल टॉक अबाउट इफ यू विल लुक फॉर होटल स्टे. सो लाइक होटल, ऑब्वियसली एज कम्पेयर टू होम स्टे आपको होटल महंगे पड़ेंगे, बट इन करेंट सिचुएशन एज टूरिस्ट आर लाइक नॉट कमिंग, जिस तरीके से पीक सीजन में प्राइसेज होते हैं वैसे नहीं है, क्योंकि अभी इतने टूरिस्ट नहीं आ रहे हैं किसी भी प्लेस में. तो आपको होटल, अगर मैं बात करूँ तो 500 पर पर्सन पर डे के हिसाब स्टार्टिंग रेंज, डिपेंड करता है
किस कैटेगरी की होटल है, 3 स्टार 4 स्टार, लाइक उसके बाद प्राइसेस वैसे बढ़ते जाते हैं, बट सारे होटल्स में राइट नाउ दे आर रनिंग ऑफर्स एंड लॉन्ग स्टे के लिए आपको डेफिनेटली ऑफर मिलेंगे एंड आपको पैकेज डील मिलेगी कि विथ मील विदाउट मील. सो मेक श्योर व्हाट लोकेशन यू आर लुकिंग फॉर, आप उस लोकेशन के अकॉर्डिंगली अपना स्टे प्लान कर सकते हैं. प्रायोरिटी में आप डिफरेंट होटल्स के साथ कनेक्ट करके उनसे आप रेट्स ले सकते हैं. निगोशिएशन अभी हो रहा है सारी जगह पे, तो मेक श्योर आप अगर बुक कर रहे हैं तो उससे पहले निगोशिएट ज़रूर करें, क्योंकि आई एम नॉट श्योर कि बड़ी जो 4-स्टार 5-स्टार प्रॉपर्टीज है वो डेफिनेटली नहीं करेंगे, बट दे आर रनिंग डिस्काउंट एंड एवरीथिंग फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन. बट येस एट द सेम टाइम, सो या इफ यू आर नॉट लुकिंग फॉर कि आप घर पे होमस्टे लेके अगर आप रहोगे तो डेफिनेटली आपको किचन में खुद कुक करना पड़ेगा एज वी वर डूइंग इन शिमला. सो उस तरीके से अगर आपको नहीं करना है, आप कुक नहीं करना पसंद करते हो, तो फिर आपके लिए ऑप्शन अच्छा ये कि को वर्किंग स्पेस और होटल नहीं, होमस्टे भी नहीं, उसके बीच के लाइक वेयर वी आर स्टेइंग इन मनाली, इट्स अंकल नोमैड. तो इसका भी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, बट करेंटली दे आर सोल्ड आउट, पर ऐसी और भी प्रॉपर्टीज है बहुत मनाली में विच यू कैन ऑप्ट फॉर. So yeah, this is what I wanted to conclude in this video. Hope you guys find this video helpful. एंड अगर इसके बाद भी आपका कोई क्वेश्चन है और आपको लगता है कि इससे रिलेटेड आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, मैं नीचे एक कॉमेंट बॉक्स पे पिन कर दूंगी एक क्वेश्चन, आप उसमें कॉमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं. एंड या विद दैट नोट आई एम एंडिंग दिस वीडियो हियर. होप यू गाइज फाइंड दिस हेल्पफुल एंड विल सी यू विद अनदर वीडियो. लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन बिलो एज वेल कि आप किस तरीके के ट्रैवल गाइड वीडियोज देखना पसंद करेंगे इन फ्यूचर. सो आई विल रिकॉर्ड इट हियर. आई नो आप लोगों के बहुत सारे लोगों के कॉमेंट भी आए हैं कि हिमानी ये बताओ कि क्या लंबे ड्यूरेशन के लिए वेन वी आर गोइंग समवेयर, तो क्या क्या चीजें पैकिंग एसेंशियल में क्या क्या आता है उस पर वीडियो बनाओ. सो नेक्स्ट वीडियो आई विल बी गोइंग टू मेक in this topic. Okay, so with that note I'm ending this video here. Hope you guys like this video and find this helpful. We'll see you with another video. Till then, tata, bye bye, namaste.